हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कुवैत में किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं और क्या क्या कंपलसरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपको प्रेशर देके पहनाया जाता है यहाँ पर या अपनी मर्जी से पहन सकते हो, अपनी मर्जी से किस लिमिट तक पहन सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो नंबर वन पे आता है बुरका। तो बुरका जो है, यहाँ की गवर्नमेंट आपको प्रेशर नहीं देती कि यू हैव टू वेयर बुरका, ना ही आपको सिर ढकना कंपलसरी है, ना ही बुरका पहनना। तो ये हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो बुरका पहनना चाहते हैं, बुरके के साथ वो हेड कवर करना चाहते हैं यानी रिदा पहनना चाहते हैं यानी, या वेस्टर्न वेयर के साथ हेड भी कवर करते हैं। तो डिपेंड पर्सन टू पर्सन, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर एज सच कोई रूल नहीं है। उसके बाद जो कपड़े आते हैं उनमें नंबर वन पे है मैक्सी ड्रेस, बिकॉज ये बहुत ज्यादा यू नो यहाँ पर गर्मी रहती है, देन यहाँ पर बीचेस हैं, तो मैक्सी ड्रेसेस जो है वो आपके सबसे ज्यादा काम आएंगी। लेकिन वो फैंसी वाली नहीं, बहुत ही सूथिंग सी, बहुत ही समरी टाइप, बहुत ज्यादा काम आएंगी। यू कैन वेयर एट होम, इट इज सो कंफर्टेबल, ऑन द बीच, शॉपिंग वगैरह पे आप देखोगे यहाँ पर कि यहाँ पर मैक्सी ड्रेसेस बहुत ज्यादा पहनती है, जो मैंने इंडिया में इतनी नहीं देखी है। कैजुअली तो नहीं देखी है, हाँ स्पेशल कोई ओकेजन होता है तो जरूर पहनते हैं, लेकिन कैजुअल नहीं देखी थी मैंने इतनी जो यहाँ पर देखी है। लेकिन मैक्सी ड्रेसेस में प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादातर स्टेप्स वाली आती हैं इस तरह की। अब वो जो स्टेप्स है ना, वो यहाँ पर अलाउ नहीं है। आप लेंथ पूरी लें, ज्यादा ट्रांसपेरेंट कपड़ा नहीं होना चाहिए मैक्सी ड्रेस का, ठीक है, क्लीवेज वगैरह ना देखे, एंड शोल्डर शुड बी कवर्ड। तो इसलिए मैं हमेशा अपने साथ श्रग रखती हूँ, कुछ बेसिक शेड्स जो होते हैं श्रग के, जैसे व्हाइट ले लिया, ब्लैक ले लिया, मरून, ऑरेंज, जो भी आपको पसंद हो। और श्रग्स में भी मैंने सेंटर पॉइंट के कुछ लिए हुए हैं, विच इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल, बहुत ही सूथिंग है। तो ये किसी भी मैक्सी ड्रेस पे मैं डाल लेती हूँ और समर में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। और बीचेस पे जब आप बैठते हो ना, एकदम पैर वगैरह आराम से बैठते हैं, तो मैक्सी ड्रेस रियली कंफर्टेबल है, जीन्स इज नॉट दैट मच कंफर्टेबल। उसके बाद आता है ड्रेसेस में ये नी लेंथ ड्रेस। नी लेंथ तक की ही आप ड्रेस पहन सकते हो, उससे छोटी नहीं। अगर आपके पास वो ड्रेस है जो छोटी है, तो उसके साथ आप लेगिंग या जीन्स कुछ भी पहन लो, लेकिन नी से नीचे आपको कपड़े नहीं पहनने हैं। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक कोई टीम आपको आके बोलेगी, यहाँ पे नॉर्मल लोग भी अगर आप देखोगे तो भी आपको इस तरह से देखेंगे कि यू विल लाइक कि अरे आज तो मैंने शायद कुछ गड़बड़ की है। तो ऐसा नहीं है कि कपड़े आप कंफर्टेबली पहन सकते हो, लेकिन एक मैनर में। तो नी लेंथ इस तरह की ड्रेसेस आप पहन सकते हो, शुड नॉट बी वेरी बॉडी कॉन और समथिंग लाइक दैट। हाँ, नाइट वगैरह में आप जा रहे हो, कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में जा रहे हो, तो मैंने लड़कियों को पहने हुए देखा है, विच इज ओके। एंड डिपेंड करता है, आप जब आओगे ना यहाँ पे तो धीरे धीरे आप जज करोगे, धीरे धीरे आप कंफर्टेबल होगे और आपको पता चल जाएगा अच्छा इस जगह मुझे पहनना है, इस जगह नहीं पहनना। जैसे कि मैं सालमिया में रह रही हूँ, तो सालमिया गार्डन में जब मैं जा रही हूँ तो मैं ऐसी वैसी ड्रेस नहीं पहन सकती, क्योंकि वहां पे तो बड़े घूर के देखेंगे। तो डिपेंड करता है कि होटल वगैरह का एम्बियंस कैसा है। तो नी लेंथ जो ड्रेस है ना, इट इज कंफर्टेबल, इट शुड नॉट बी वेरी टाइट। हाँ, आप स्लीवलेस पहन सकते हैं, इतना स्लीवलेस पहन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो कि हॉल्टर नेक पहन लिया आपने या स्टेप्स वाले पहन लिए। अगर ऐसा है तो आप उसे कवर कर लो, या स्कार्फ वगैरह या स्टोल्स वगैरह ऐसा कुछ ले सकते हैं। उसके बाद आती है स्कर्ट्स। तो स्कर्ट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा पहनती हैं, लॉन्ग स्कर्ट, ए लाइन, मतलब फिटेड स्कर्ट्स, ये बहुत ज्यादा चलती है। यहाँ पे वेराइटी भी आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगी स्कर्ट्स में, तो ये बहुत ज्यादा चलती है। एक तो आपको फुल कवर कर देती है, एक बॉडी को शेप दे देती है। इंडिया में जिस तरह की स्कर्ट्स आप पहनते हैं, उस तरह की कॉटन स्कर्ट्स मैंने ली हुई है, एक लॉन्ग स्कर्ट मैंने वेबसाइट से ली थी, तो ये भी यहाँ पे बहुत ही कंफर्टेबली पहन सकते हैं। और जिस तरह का एम्बियंस रहता है, आराम से बीच वगैरह के लाया गया, कंफर्टेबल है बहुत ज्यादा, यहाँ के वेदर को देखते हुए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहती हैं। तो स्कर्ट जो है वो किसी भी तरीके की आप पहन सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल स्क्वीज कर दे आपकी बॉडी को, आपने एकदम से क्रॉप टॉप पहन लिया, दैट इज नॉट अलाउड। आप कपड़ा पहने शुड बी इन अ डिसेंट मैनर, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। इट इज नॉट लाइक कि आप जीन्स नहीं पहन सकते, स्कर्ट नहीं पहन सकते, ये पहन सकते। उसके बाद आते हैं जीन्स, प्लाजो, पैंट्स, जॉगर्स, ये कुछ भी आप पहन सकते हो। जीन्स शुड नॉट बी वेरी वेरी डिस्ट्रेस्ड, बहुत ज़्यादा रिप जीन्स नहीं होनी चाहिए, एक मैनर में होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा स्किन शो नहीं, जो अभी इंडिया में चल रही है, फॉरेन में चल रही है ना, बिल्कुल ही काट पीट के दे देते हैं। मतलब इट इज़ ओके इफ़ यू लाइक इट, यू कैन वेयर, बट मैं कुवैत का अगर आपको बताऊँ तो वो यहाँ पर नहीं चलेगी। लेकिन मैंने भी ना यहाँ पे ज़ारा वगैरह में देखा है, तो बहुत ज़्यादा रिप जीन्स मुझे नहीं देखी है, मे बी मैंने नहीं देखी हो, होगी, लेकिन मैंने उतनी रिप तो नहीं देखी। उसके बाद आते हैं केप्रीज। तो केप्रीज यहाँ पे आराम से पहन सकते हो, केप्रीज की जो लेंथ होती है वो नी लेंथ होती है, तो ईजिली आप पहन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि आपके जो नीचे का पोर्शन है ना लेग्स का, वो दिख रहा है,
कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, चाहे वो स्कर्ट हो या ड्रेसेस हो या केपरी हो, नी तक आपको पहनना है, नी पूरा कवर हो जाना चाहिए, बिकॉज नी अगर कवर नहीं होता तो वो और ज्यादा चढ़ जाती है जब आप बैठते हो तो, कंफर्टेबल नहीं हो कि आपके पैर दिख रहे, स्टिल यू लाइक ड्रेसेस, तो बेटर है कि आप इंडिया से यहाँ से लेगिंग्स ले लो। ये मैंने किया था, मैं हर ड्रेस के नीचे लेगिंग डाल लेती हूँ और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी रहती है मुझे और बहुत ज्यादा सुंदर भी लगती है। ना बात करूँ टॉप्स की, तो ये जो टॉप्स है ना, ये तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। इट इज़ क्रॉप्ड, बट मैं बहुत ज़्यादा क्रॉप्ड नहीं लेती हूँ, इतनी लेती हूँ कि मेरी वेस्ट लाइन पूरी कवर हो जाए, और इस तरह के टॉप्स डीले, ये तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, सब किसी भी तरह के पहन सकते हो। जो कोल्ड शोल्डर टॉप चले थे ना, जो मैं अपने वीडियोज में ही पहन लेती हूँ, वो वीडियोज में ही पहनती हूँ, और मैं एक बार हांगकांग जा रही थी तब मैंने उसके लिए खरीदा था कि जस्ट मुझे ट्राई करना था, लेकिन वो ज्यादा नहीं चलते। उसके अंदर यहाँ पर फुल स्लीव्स का एक कवर आता है, वो गर्ल्स पहन लेती हैं, उसके ऊपर वो पहन लेती हैं, लेकिन स्किन शो नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ पहन नहीं सकते, अगर आपको रिप जीन्स भी पहननी है तो उसके अंदर टाइट्स पहन लो, मतलब स्किन नहीं दिखे आपकी। और एक फ्लेवर भी आ जाता है कि अगर आपका मन है एक सर्टेन टाइप ऑफ क्लोथिंग पहनने का तो आप पहन भी सकते हो। सूट, साड़ी, प्लाजो, जो भी आप इंडिया और पाकिस्तान में पहन रहे हो वो आप कंफर्टेबली यहाँ पे पहन सकते हो। वेदर भी अलाउ करता है आपको, बिकॉज व्हेन आई वाज इन आयरलैंड तो वहां पे वेदर अलाउ नहीं करता था, इतनी ठंड थी वहां पे, सूट और वो तो सब रखे ही रह गए, लेकिन हाँ सूट वगैरह वो सब रखे रह गए, लेकिन यहाँ पर आप इजीली पहन सकते हो इफ यू आर वेयरिंग साड़ीज ओनली। जो थोड़ी सी यू नो एजिड होती हैं, हमारी मम्मी वगैरह होती हैं, उनको इतना कंफर्टेबल नहीं है, तो अगर वो साड़ी पहनना चाहें इजीली यहाँ पे साड़ी पहन सकते हो, कोई आपको जज नहीं करेगा। सूट्स वगैरह जिस भी तरीके के आपको पहनने हैं इजीली आप पहन सकते हैं। नाउ एक चीज जो है वो मैं बहुत ज्यादा करती हूँ, हमेशा अपने साथ एक स्टोल या स्कार्फ रखती हूँ, बिकॉज नेक जब हम देखते हैं ना कि यहाँ से मुझे सही लग रहा है सही लग रहा है, लेकिन अगर कहीं हम मार्केट में जा रहे हैं, कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं कि जहाँ थोड़ा सा झुकते ही नेक शो होने लगता है, क्लीवेज वगैरह शो होने लगता है, तो इसलिए मैं हमेशा अपने साथ स्कार्फ रखती हूँ, या गवर्नमेंट ऑफिस में कोई काम है वहाँ जाना पड़ता है तो ये आराम से डाल लो। और ये मल्टीपर्पज है, धूप भी पड़ती है तो फेस कवर हो जाता है, अदरवाइज आप गले में डाल सकते हो। तो मैं ये यहाँ पर नहीं, इंडिया में थी ना तब भी रखती थी, जब मैं जॉब करती थी तो मैं हमेशा एक स्कार्फ अपने साथ रखती थी, क्योंकि आप जो ट्रांसपोर्ट्स होते हैं यू नेवर नो कि किस तरह के लोग हैं, किस तरह से आप लोगों को जज कर रहे हैं, जज भी नहीं किस तरह से आप देख रहे हैं, तो वो भी मुझे पसंद नहीं है। तो हमेशा मैं अपने साथ एक स्टोल या स्कार्फ रखती हूँ। देन कौन सी चीज़ें अलाउ नहीं है, शॉर्ट्स, बिग नो, यू कांट वेयर शॉर्ट्स, शॉर्ट्स जो हमारे निकर्स होते हैं वो नहीं पहन सकते, शॉर्ट स्कर्ट्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। लेकिन विंटर्स में ना यहाँ पे मैंने गर्ल्स देखे हैं कि बूट्स पहनती हैं, लेगिंग्स पहनती हैं, और एक नी तक या नी से जस्ट ऊंची शॉर्ट स्कर्ट पहन लेती हैं, एंड इट लुक्स वेरी गुड, वेरी डिसेंट, और उसके ऊपर ना आपने कुछ स्वेटर्स वगैरह डालिए, बहुत अच्छे लगते हैं। सो डोंट माइंड अगर आप इंडिया में हो या किसी जगह से आप मुझे देख रहे हो ना, तो आपको लगेगा बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप रहोगे ना तो आपको लगेगा यह बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, मुझे बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, मुझे पता है कि मुझे क्या 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 रखना है, इसलिए मेरी वार्डरोब भी ना अब वैसी ही हो गई है, मैं अनाप शनाप कुछ नहीं खरीदती। शुरू में आई थी ना तो मुझे बड़ा क्रेज था शॉर्ट्स ले लो ये सब ले लो, बड़ी अच्छी वैरायटी मिलती थी H&M वगैरह में, लेकिन धीरे धीरे मैंने कम कर दिया, अब मेरे ज़्यादातर काम आते हैं जीन्स, और मेरे जॉगर्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं, लेगिंग्स आर माई बेस्ट फ्रेंड, लाइक लेगिंग्स तो मेरे इतने ज़्यादा काम आते हैं, श्रग्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपको, श्रग्स जो आई थिंक मैंने इससे पहले इतने ज़्यादा श्रग्स नहीं पहने जो यहाँ पे, और श्रग्स में भी वैरायटी होती है, बीच में तो किमोनो वगैरह कितने चले थे, तो अगर आप लोग आ रहे हैं तो दिल्ली से आ रहे हो तो सरोजनी में तो किमोनो की मतलब बाहर आई हुई है, तो आप आराम से ला सकते हैं यहाँ पर। तो लेगिंग्स, किमोनो और स्कर्ट, जीन्स, जॉगर्स, मतलब ये जो कवर्ड वाली चीज़ें हैं ना ये आप ला सकते हो, स्कार्फ्स की आप वैरायटी रख सकते हो, अगर आप हेड कवर करते हो तब तो इतनी सुंदर लगती है ना लड़कियाँ, आए हाय, मतलब इजिप्शियंस ज़्यादातर फुल पहनती हैं वो, उनकी स्किन शो नहीं होनी चाहिए, फुल पैंट्स, शूज, सैंडल जो भी पहनना है, एंड हेड कवर, हाय हाय मैं तो देख कर ही मतलब मुझे इतनी सुंदर लगती है ना वो, मुझे लगता है वो जो स्कार्फ है ना, जो हिजाब है उनका, वही मेन चीज़ है, दे आर सो ब्यूटिफुल नो डाउट, लेकिन वो जो है ना वो उनको एक आम लड़की से डिफरेंट बनाता है और बहुत ज़्यादा सुंदर बनाता है, अदरवाइज तो फिर वो बाल खोल के वो नॉर्मली लगेंगे। आई लव लव वो इतनी वैरायटी, इतने सुंदर सुंदर, इतनी सुंदर तरीके से हिजाब बांधती है ना, क्या कहने, मतलब मुझे तो इतनी अच्छी लगती है ना, आई लव इजिप्शियंस गर्ल, मतलब उनकी स्टाइलिंग वगैरह इतनी अच्छी होती है ना, मतलब स्टाइलिंग के लिए ना यू डोंट नीड टू शो योर स्किन, आप फुल कवर होके भी स्टाइलिश और फैशनिस्टा लग सकते हो,
इतने अच्छे अच्छे स्टाइल है, फुल मेकअप इतना अच्छा, फुल हिजाब इतना अच्छा, फुल कवर्ड आउटफिट को वो इतने अच्छे से स्टाइल करती है ना, मैंने बहुत ज्यादा सीखा है यहाँ से। तो ये है मेरे कुछ पॉइंट्स, आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे और कुछ आप लोगों को समझ में आए होंगे। बिकॉज ये जब फैमिली आती है, कोई लड़की आती है ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है। आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस वीडियो, लेकिन काफी टाइम लग गया और मैं बना नहीं पाई थी, बट थैंक यू सो मच आप लोगों का वेट करने के लिए। स्टिल मेरे पास एक और क्वेश्चन आया था, एक लेडी है वो अकेली आ रही है, तो उनका भी आया था कि किस तरह के कपड़े मैं रखूँ और क्या नहीं। आई नो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, मैं आई थी तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं था बताने के लिए, तो मैंने क्या किया था, कुर्ते रख लिए थे, कुछ लॉन्ग टॉप्स रख लिए थे और लेगिंग्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।